हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरसीबी टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आरसीबी टीम को अपना पहला मुकाबला आईपीएल 2023 में खेलना है 2 अप्रैल को। ऐसे में इस मैच के लिए टीम के लिए कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या विल जैक्स को सचमुच में ओपनिंग करने का मौका मिलने वाला है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो, विराट कोहली के फ़ैन हो, फैफ डुप्लेसी के फ़ैन हो, मैक्सवेल के फ़ैन हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर भी जो है ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, ताकि आरसीबी टीम से जुड़ी आपको हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन करके रख लेना। वहां भी आपको क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2023 में आरसीबी टीम को पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है, जो कि 2 अप्रैल को होने वाला है। इस मैच के लिए पहले ही मैंने प्लेइंग 11 की वीडियो बना दी थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिरकार ओपनर्स जो है कंफर्म कौन से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, क्या विल जैक्स का चांस बन रहा है खेलने का या फिर नहीं, क्योंकि विल जैक्स हाल ही में फ़िलहाल में काफ़ी चर्चा में है। आरसीबी टीम के तमाम फैंस ये चाह रहे हैं कि विल जैक्स को मौका दिया जाए, उन्हें ओपनिंग करने का चांस मिले। लेकिन भाइयों, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक फैफ डुप्लेसी रहेंगे टीम में और जब तक विराट कोहली हैं, तो शायद से स्टार्टिंग के मैचेस में कम से कम हमें यही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ भाइयों, फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली हमें स्टार्टिंग के मैचेस में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आने वाले मैचेस में अगर बाई चांस कोई भी इन दोनों में से फ्लॉप होता है लगातार, तो शायद कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे, लेकिन शुरुआती मैचेस में तो हमें फैफ और विराट ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें हम, क्या विल जैक्स को प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा या फिर नहीं, तो दोस्तों स्टार्टिंग के मैचेस में शायद से उन्हें मौका दिया भी जा सकता है जब तक हसरंगा अवेलेबल ना रहे। हसरंगा हम सभी को पता है कि स्टार्टिंग के मैचेस मिस करने वाले हैं, आरसीबी टीम के लिए नहीं खेलेंगे, तो तब तक जो है शायद विल जैक्स को मौका दिया जाए, एक ना एक चांस उन्हें खेलने का मिल जाए, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं और ओपनिंग करने के अलावा वो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे खासे फिट हो सकते हैं, वहां पर भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस लिहाज से उन्हें चांस मिल सकता है शुरुआती मैचेस में खेलने के लिए, लेकिन एज अ ओपनर उनका खेलना ये शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो नीचे खेल सकते हैं नंबर 4, 5 या फिर 6 पर, एज अ ओपनर वो शायद नहीं खेल पाएंगे। शुरुआती मैचेस में हमें विराट और फैफ ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो ये थी हमारी कुछ बड़ी अपडेट्स विल जैक्स, आरसीबी टीम और विराट फैफ को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।